है। नहीं, इसको आज रात अपने पास रख। मेरे पीछे पुलिस लगी है और मुझे देखो मैं नहीं कर सकता ये प्लीज किडनैप। वो इस तरीके से क्यों लेके आया तुम्हें? तुम्हारे घर वाले तो परेशान होंगे ना। मैं कोठे पर रहती हूँ, वो बासु जबरदस्ती मुझे यहाँ उठा कर ले आया बेचने के लिए। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बासु गिरफ्तार हो गया है। अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम जहाँ जाना चाहे जा सकती हो। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस शहर को अच्छे से जानती तक नहीं। मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहती तुम पे। जब तक यहाँ रहने दोगे तुम्हारा सारा काम करती जाऊंगी। बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, तुम यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। और मैं जल्दी तुम्हारा कोई इंतजाम तो कर ही दूंगा। ऐसा क्या हो गया जो इतनी अर्जेंटली मिलने के लिए मुझे बुलाया? कोई नई स्टोरी सुनानी है क्या? अरे नहीं यार। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, तुम मेरे घर कब आ रहे हो? मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। जब तुम बुलाओ तब आ जाऊंगा यार। कूल, बट एक कंडीशन है। क्या? प्लीज ये सैड कपड़े पहन के मत आना, वरना मॉम डैड मेरा कितना मजाक बनाएंगे कि मैं किस अंकल से शादी कर रही हूँ। मैं तो खुद ये चाहता हूँ खुशबू की तुम एक अच्छी जिंदगी जियो, और मजबूरी है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में तो नहीं रख सकता ना। पर हाँ, मेरा एक दोस्त है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। अबे कहाँ है वो लड़की? कौन हो तुम लोग? अबे बासु भाव के आदमी हम लोग, गिर देंगे अगर लड़की कहीं गई तो। आराम से रखूंगे जब तक भाव जेल से नहीं आ जाता। और मेरी बात सुन, अगर कुछ चालाकी की ना तो बेटा ढूंढ के गोली मार दूंगा तुझे, याद रखना।